हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सलमान खान और कैटरीना कैफ की सबसे बड़ी फिल्म टाइगर 3 मूवी से जुड़ी कुछ लेटेस्ट अपडेट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जो न्यूज़ सामने आ रहा है वो बहुत ही बेहतरीन है। टाइगर 3 फिल्म के अंदर जोया की डेट होने वाली है। तो क्या दोस्तों, टाइगर का ये आखिरी मिशन रहने वाला है? मैं पूरा न्यूज़ इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दबा के सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, आप भी सलमान खान के ट्रू फैन है तो चैनल को लाइक और शेयर करना मत भूलें। तो चलिए दोस्तों, बिना देर करते वीडियो स्टार्ट करते। दोस्तों, सबसे बड़ी जो न्यूज़ आ रही है वो है टाइगर 3 फिल्म को जो शूट किया है वो है IMAX कैमरा के थ्रू। जी हाँ दोस्तों, बॉलीवुड की किसी भी फिल्म को पूरी मूवी को शूटिंग नहीं किया IMAX कैमरा से। और दोस्तों, टाइगर 3 फिल्म ऐसी है कि इस फिल्म की पूरी शूटिंग IMAX कैमरा से हुई है। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, VFX। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि अभी बॉलीवुड में और साउथ में VFX का ज़बरदस्त ट्रेंड चल रहा है। टाइगर 3 फिल्म की VFX की टीम ने पहले से ही VFX को दिमाग में रखा है, उसके बाद शूट किया है। वो दोस्तों बहुत ही बेहतरीन तरीके से निकल के आने वाला है। दोस्तों पहले ऐसा लगता था कि पठान फिल्म स्पाई यूनिवर्सल की स्टार्टिंग है, लेकिन दोस्तों टाइगर 3 इस फिल्म का स्टार्टिंग है। इस फिल्म के एंडिंग में हमें कई सारे राज देखने को मिलेंगे। उसके बाद दोस्तों वॉर 2 का भी राज देखने को मिलेगा और दोस्तों टाइगर वर्सेस पठान मूवी का भी ज़बरदस्त राज देखने को मिलेगा। दोस्तों, YRF कुछ नया प्लान कर रहे हैं। टाइगर वर्सेस पठान के अलावा हमें रूबीना वर्सेस जोया यानी कि दीपिका वर्सेस कैटरीना का भी एक मूवी बनने वाली है। उस मूवी के अंदर ऐसा दिखाया जाएगा कि कैटरीना और दीपिका पहले से ही बहुत अच्छी दोस्त रहती है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि टाइगर 3 फिल्म के अंदर हमें पठान के लुक में शाहरुख खान का एक ज़बरदस्त एक्सटेंडेड कैमियो देखने को मिलेगा। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपको पता ना हो तो बता दूं कि कबीर के रूप में हमें ऋतिक रोशन भी देखने को मिलने वाले हैं। दोस्तों, टाइगर 3 फिल्म के अंदर हमें खूंखार विलन के रोल में इमरान हाशमी देखने को मिलने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, अगर जॉनी ब्राम भी साथ में देखने को मिल जाए तो दोस्तों सोने पे सुहागा हो सकता है। दो बड़े विलन के ऑपोजिट दो बड़े सुपरस्टार मेगास्टार आमने सामने देखने को मिलेंगे। फिल्म के टीजर के बारे में बात करें तो दोस्तों, इसी वीक में हमें इस फिल्म के टीजर देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, बजट के बारे में बात करें तो YRF की सबसे ज़्यादा बजट वाली फिल्म है। 350 करोड़ के बजट में इस फिल्म को बनाया गया है। और दोस्तों, इस फिल्म का जो बजट है वो वॉर और पठान 2 के बजट से कई ज़्यादा बहुत ज़्यादा है। अब दोस्तों, जिस तरह से टाइगर 3 फिल्म का क्रेज़ देखने को मिला है, सिर्फ एक पोस्टर के अंदर में ही इस फिल्म ने तबाही मचा दी है। तो दोस्तों, अब इस फिल्म के लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस प्रेडिक्शन के बारे में बात करें तो ये फिल्म 700 से 800 करोड़ का कलेक्शन करती हुई नज़र आ रही है इंडियन मार्केट पर। आपको क्या लगता है दोस्तों, ये फिल्म पठान और जवान का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी या नहीं, कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना।